हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजियो वैली पब्लिक स्कूल। दिस इज द सेकेंड वीडियो लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 7 कंप्यूटर एंड द चैप्टर इज गोइंग ऑन इज द फर्स्ट। अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कुछ पढ़ रहे थे जो कि हमारा इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड था। हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था, हार्डवेयर के बारे में पढ़ लिया था हमने अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस को चालू किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ इनपुट डिवाइसेस, मेनली टू इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया था। कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था, एक कीबोर्ड और दूसरा माउस, ये दोनों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब आपके बुक में कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं, अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आपका जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने नोट्स बना लिया, नोट्स बना लिया तो अच्छी बात है। तो अभी हम लोग स्कैनर, जॉयस्टिक है उसके बाद स्कैनर होगा, जॉयस्टिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग स्कैनर को कंटिन्यू करेंगे, फिर हम लोग माइक्रोफोन, वेब कैमरा, टच पैड तक आज कंप्लीट कर लेंगे, और टोटल आपके बुक में जितने भी इनपुट डिवाइसेस है उनको आज हम लोग कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जॉयस्टिक इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइस तो माउस होता है, पर ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, कैसे वो हम लोग पढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये आप फिगर यहाँ पे देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होते हैं कि एक स्टिक होता है जिसके ऊपर एक स्फेरिकल बॉल रहता है, और उस स्फेरिकल बॉल से आप अब उस स्टिक को मूव कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन में। अब ये इसका मतलब, ये भी एक माउस की तरह होता है, और इसका भी यूज होता है पॉइंटिंग करना ही होता है स्क्रीन में। और ये मेनली किस लिए होता है, ये मेनली कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए होता है। कंप्यूटर्स पे बहुत सारे गेमर्स सब है, वो गेम खेलते हैं इसके हेल्प से। और ये रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट्स को इसी से कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद फ्लाइट को भी इसी से कंट्रोल किया जाता है, ट्रेनिंग सिमुलेटर सबको इसी से मूव कराया जाता है। उसके बाद जो भी गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, ये गेमिंग वाला थोड़ा सा अलग होता है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है, और उसमें थोड़े से कम फीचर रहते हैं कमर्शियल जो भी यूज किया जाता है उसको, उसके रेस्पेक्ट में। तो ये तो हमारा जॉयस्टिक, ये भी इसका भी काम वही है मूवमेंट का। तो अब हम लोग चलते हैं स्कैनर की ओर। स्कैनर, अब स्कैनर जो होता है वो हार्ड कॉपी को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। स्कैनर इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द हार्ड कॉपी इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर फर्दर प्रोसेस। आप किसी भी चीज को स्कैन कर लेते हो तो वो आपके कंप्यूटर के डाटाबेस में स्टोर्ड हो जाता है। ओके, इट मींस देयर इज नो नीड टू टाइप एज स्कैन। आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं, आप उससे सिर्फ स्कैन कर लो। आप स्कैन कर लोगे तो वही डाटाबेस आपके कंप्यूटर में सेव हो जाता है। तो स्कैनर एक अच्छा यूजफुल मशीन है जो कि इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो होता है वो लाइट बीम यूज करता है स्कैनिंग करने के लिए। कोई कोई प्रिंटर भी प्रिंट करने के लिए लाइट का ही यूज करता है, लाइट यहाँ से निकलता है। इट वर्क लाइक अ फोटोकॉपी मशीन, एक्सपेक्ट इट दैट इट क्रिएट्स अ फाइल ऑफ डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर मेमोरी इंस्टेड ऑफ अ पेपर कॉपी। अब ये भी एक फोटोकॉपी मशीन की तरह ही वर्क करता है, बस इसका अंतर ये है कि ये जो है फाइल को क्रिएट करके कंप्यूटर के कॉपी में रखता है, और वही फोटोकॉपी वाला आपको फोटोकॉपी उसका प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आप स्कैनर के बारे में जानते थे पहले से, फिर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का क्या होता है, माइक्रोफोन का यूज होता है इनपुटिंग वॉइस इन द कंप्यूटर। माइक्रोफोन इज यूज फॉर इनपुटिंग वॉइस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में वॉइस को इनपुट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, माइक्रोफोन का यूज करते हो।
अब आप माइक्रोफोन सीख के यूज करते हुए आप अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, ये एक अच्छी बात होती है कि आप अपने वॉइस को कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अब और जो भी इसके फीचर्स है वो हम लोग पढ़ते हैं क्या है। अब एक तो काम हो गया माइक्रोफोन का, इनपुट कर देता है वॉइस। अब दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम कोई कोई हाईटेक माइक्रोफोन होते हैं वो कमांड भी दे सकते हैं कंप्यूटर को, कमांड दे सकते हैं। और एआई में भी माइक्रोफोन का ही यूज होता है। एआई आप जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो माइक्रोफोन को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है कमांड्स को देने और लेने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए। अब हमारा है वेबकैम। वेबकैम क्या होता है, वेबकैम एक छोटा सा कैमरा होता है, वेब कैमरा भी इसको कहते हैं। ये जो होता है ये एक कैमरा होता है जो कि कॉमर्शियली यूज होता है या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए यूज किया जाता है, लाइव फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ जो स्ट्रीमर्स है, हमारे यूट्यूबर सब है, वो सब वेब कैम का यूज किया करते हैं। और इसके बाद ये डिवाइस जो है फोटो और वीडियो कैप्चरिंग करता है और उसको कंप्यूटर में स्टोर करता है, और आप वेब कैम से किए हुए फोटोग्राफी को आप अपलोड कर सकते हो। www मतलब कोई भी नेट के वेबसाइट पे आप इसके इजीली अपलोड कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा वेब कैम। हम लोग चलते हैं टच पैड की ओर। अब टच पैड क्या होता है, टच पैड जो है वो लैपटॉप पे पाया जाता है, फाउंड ऑन लैपटॉप। इट हैज टू बटन्स एंड अ टच पैड। इसके पास दो बटन्स होते हैं और एक टच पैड होता है। जो ये एक पूरा माउस की तरह ही वर्क करता है, जो कि कंप्यूटर का लैपटॉप का हम लोग माउस भी उसको बोलते हैं, जिससे आप सेम टू सेम माउस का काम करते हो। टोटल जो माउस का काम होता है वो आप उसे करते हो, माउस का काम ये करता है। अगर आपको लैपटॉप पे पॉइंटर को मूव करना है तो आपको टच पैड की जरूरत पड़ेगी। और इसके क्या क्या काम है और क्या क्या इसका फीचर है, चलिए वो पढ़ते हैं। अब ये जो है इसका साइज जो है वो वैरी करता है, और ये PDA और कुछ पोर्टेबल प्लेयर्स को फाउंड को वहीं पे फाउंड होता है। अब PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। ओके, अब ये इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये माउस की तरह वर्क करता है। और हमारे पास कौन कौन से है, आज हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में। ग्राफिक डिजिटर्स। अब ये क्या है, ग्राफिक टैबलेट को ग्राफिक डिजिटर कहा जाता है। ओके, मतलब टच स्क्रीन वाले टैबलेट को कहा जाता है ग्राफिक डिजिटर। चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। अब ग्राफिक डिजिटर तो पेन के साथ आता है और पेन के साथ यूज किया जाता है, स्टाइलस पेन जिसे हम लोग कहते हैं। अब स्टाइलस भी लिखने का काम में आता है, आप किसी भी टैबलेट पे आप उसके हेल्प से लिख सकते हो। तो ये भी एक यूजफुल है इनपुट डिवाइस, ये भी यूजफुल इनपुट डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्राफिक डिजिटर पे आपको लिखने के लिए एक स्टाइलस पेन चाहिए होता है, और ये पेन का यूज होता है, आप टैबलेट पे ड्रॉ कर सकते हो इसी पेन के थ्रू आप कोई भी जो डिजिटल होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, या फिर आप लैपटॉप कहो कंप्यूटर कहो, उसके स्क्रीन पे आप इसके हेल्प से आप वो राइट कर सकते हो। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि आप अगर इसको कनेक्ट कर देते हो कोई भी कंप्यूटर से तो वो कंप्यूटर पे लिख देता है। अब ये हो गया, ये भी एक छोटा सा टॉपिक था, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। अब टच स्क्रीन जो होता है वो सबसे नया लेटेस्ट इनपुट डिवाइस है जो कि हम लोग सब जानते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ है, आपके मोबाइल में इसका यूज है। उसके बाद ये फिंगर से चलता है और ATM में यूज होता है। ये आपका सारे इनपुट डिवाइस यहाँ पे खत्म हो गए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को डिस्कस करेंगे। ओके, अपने नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।